गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम में आज आप सभी लोगों को हम ऐसे एक रियल हीरो से मिलाते हैं जो लीक से हटकर गांव की प्रगति के लिए और डिजिटल क्रांति के सूत्रपात को आगे बढ़ाने के लिए अपने गांव में एक नई शुरुआत करके और आज गांव की एक सूरत बदलने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पा रहे हैं। गांववाणी स्टूडियो ने एक नई पहल आरम्भ की है, ऐसे रियल हीरो जिन्होंने ग्रास रूट के ऊपर एक ऐसा प्रयास किया है, लीक से हटकर कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी बदौलत उनके गांव को एक नई पहचान मिलने लगी है। इसी पहचान की कुछ ऐसी कहानियां जो अनछुई हैं, अनकही हैं और ऐसी कहानियां अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हो पाई हैं जो गांव में हैं लेकिन उन्हें कभी इस तरह का मंच या ऐसा अवसर नहीं मिल पाया, उन्हें हम इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसे हमने नाम दिया है रियल हीरो। एक गांव के वो रियल हीरो जिनके प्रयासों से गांव को आगे बढ़ाने में, गांव के लोगों को एक डिजिटल पहुंच बनाकर सरल, सुगम और सरलता से उन तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, उसी कड़ी की जो एक जो सक्सेस स्टोरी है, एक रियल हीरो जो हमारे यहाँ बानसूर के रतनपुरा गाँव से हमारे साथ में है। और इस सेशन में हम इसी प्रकार हर शनिवार को एक नए, एक ऐसे चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे जो हमारे बानसूर में इस डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट में जुड़कर महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उन्होंने उदाहरण प्रेषित किया है। साथ में उन लोगों ने ये करके भी दिखाया है कि अगर नारी ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं है। जहां लोगों को 4 से 10 किलोमीटर दूर जाकर बैंकिंग के लिए, एजुकेशन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज CSC SPV का, CSC ई गवर्नेंस का जो एक मॉडल प्रोजेक्ट, जो पायलट यहां किया गया था, DMT डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर, जिसके तहत 148 महिलाओं को हमने DG पे सखी बनाकर और उन्हें इस डिजिटल क्रांति की अग्रदूत के रूप में जोड़ने का काम किया है, उसी में एक हमारे साथ यहाँ सुष्मिता जी आज उपस्थित हैं। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं उस रियल हीरो से जो हमारे साथ आज गांववाणी स्टूडियो में उपस्थित है। गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो में आज हम एक नए चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्ते सुष्मिता जी, गांववाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हमने ये पहल की है, एक प्रयास किया है, ऐसे लोग जिन्होंने गांव के विकास में और गांव को परिवर्तन करने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान किया हो, आप महिला होते हुए आपने अपने गांव में एक डिजिटल क्रांति का सूत्रपात किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपके गांव में जहां पहले लोगों को 6 से 10 किलोमीटर दूर जाके बैंकिंग सेवाओं के लिए, पेंशन निकालने के लिए या फिर कंप्यूटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या अनुभव रहे। आप पहले गृहिणी हैं, आप मतलब मोस्टली विवाह के बाद में, आप अपने ससुराल में आने के बाद घर तक सिमट गई थी, लेकिन किस प्रकार आपने एक प्रयास किया और आज आप गांव में एक रियल हीरो के रूप में उभर रहे हैं। मेरा नाम सुष्मिता है, मैं रतनपुरा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी होने के बाद मैं एक घर के कामों तक ही सीमित रह गई थी, परंतु आज मैं इस युवा जागृति संस्थान से जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हमारे गांव में 5 कंप्यूटरों की लैब सेटअप की गई है, जिससे मैं गांव के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में, शिक्षा के बारे में बता पाती हूं, जिससे वो बच्चे पहले 5 किलोमीटर दूर आकर के वो शिक्षा लेते थे, परंतु आज वो शिक्षा मैं हमारे गांव में ही दे पाती हूं। इसलिए मैं ये युवा जागृति संस्थान और वह CSC टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल सुष्मिता जी, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले आपके गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग जो लोग थे, उनको पेंशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो बुजुर्ग लोग आपके सेंटर पे, आपके घर पे आके पेंशन ले पा रहे हैं, तो आपको और उन लोगों को कैसा लगने लगा है? पहले वो 5 किलोमीटर दूर बानसूर आते थे, फिर वो बैंक के चक्कर लगाते थे, फिर भी उनको पेंशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज मैं वो घर पर आते हैं आधार कार्ड के द्वारा, केवल एक ID के द्वारा और अंगूठा लगा करके मैं उनको पेंशन दे पाती हूँ और उनको बाद में ये भी बता पाती हूँ कि आपके खाते में अब इतना पैसा रह गया, जिससे तो,
वो संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे पहले अगर बैलेंस भी पूछना होता था तो उनको बानसूर आना पड़ता था, आना पड़ता था और उसके लिए परेशान भी होना पड़ता था। बिल्कुल, पैदल भी चलते थे लोग, समय भी खर्च हो जाता था, लेकिन आज ये बेनिफिट हुआ इस चीज के होने से। गांव के लोग तो बहुत प्रसन्न है इस चीज से, हमारे गांव में ये सुविधा हो गई। ऐसा कोई इस दौरान जब आप ये डीजीपे के थ्रू आप आधार कार्ड के द्वारा अंगूठा लगा के उन लोगों को पेंशन दे पा रहे हो, हाँ सर, तो ऐसी कोई महिला या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पास आया हो और उसने कहा हो कि हाँ वाकई में मुझे लाभ हुआ हो, ऐसा कोई एक दो उदाहरण? हाँ सर, लेडीज थी जो विकलांग थी, मतलब उनको जाने आने में परेशानी होती थी, उसके साथ में उसके परिवार वाले भी नहीं लगते थे उनको, तीन तीन चार चार महीने में पेंसिल लेने के लिए एक बार आना पड़ता था बानसूर, फिर भी एक दो दिन लग जाते थे पेंसिल लेने के लिए, लेकिन आज वो 10 मिनट में हमारे घर आकर उस पेंसिल का पता कर पाती है हमारे अकाउंट में बैलेंस आया है या फिर नहीं आया है। बिल्कुल सही का मायने में दा जो रियल हीरो जो थीम हमने गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से चलाई है, और सीएससी ई गवर्नेंस का जो मॉडल प्रोजेक्ट जो महिला सशक्तिकरण के लिए बानसूर में चलाया गया है, उसकी ये रियल स्टोरी है, जहां एक दिव्यांग महिला को अपनी पेंशन के लिए 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ता था, वो अपने परिवार वाले लोगों के ऊपर आश्रित थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, इस वजह से वो अपने परिवार के लोगों पे आश्रित थी, लेकिन सुष्मिता जी के प्रयास से और इनके सीएससी सेंटर पे वो महिला आकर ना सिर्फ अपनी पेंशन का पता लगा पा रही है, साथ में वो 5 से 10 मिनट में उसको घर भी, मतलब गांव में रहकर उसके घर के पास में ही ये सर्विस मिल पाई है। इसीलिए गांववाणी स्टूडियो ने इसे द रियल हीरो थीम के साथ आज सुष्मिता जी को यहाँ मंच प्रदान किया है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सुष्मिता जी कि आपके परिवार वालों को, विशेषकर आपके पति को या फिर आपके परिवार वालों को कुछ कैसा महसूस होता है कि आप आज ये काम कर पा रहे हैं, उनको कैसी खुशी महसूस होती है? हमारे परिवार वालों को तो बहुत खुशी है इस चीज़ से कि आज हमारे घर में कंप्यूटर लगे हैं, जिससे कोई आता जाता है तो उनको देख कर भी खुश होते हैं, टाइम पास भी होता है उनके साथ साथ, और हमारे घर के बच्चे भी उस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये मतलब हमारा जो परिवार का बंदा है ये काम कैसे कर रहा है, उसको सीखने के लिए इच्छुक रहता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि परिवार का एक माहौल, क्योंकि पहले आसपास के गांवों में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सीएससी ने ये स्थापित किए जो कंप्यूटर हमारे इस डिजिटल मॉडल टाउन बानसूर प्रोजेक्ट के तहत, तो गाँव के जो लोग हैं उनको कंप्यूटर को ना सिर्फ देखने को मिला है, उन लोगों को वहाँ सीखने का भी मौका मिला है। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आप पहले गृहिणी के रूप में थी, लेकिन आज एक आप उद्यमी के रूप में एक मतलब कि आप अपना खुद का एक व्यवसाय आप कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में आप इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगी? मैं पहले एक गृहिणी के रूप में घर का काम कर लेती थी और घर में ही रहती थी, लेकिन आज मैं आगे निकल पाई हूँ, इस घर से बाहर निकल पाई हूँ, और मैं इस शिक्षा और बैंकिंग का काम करके मैं अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से चला पाऊंगी और पैसा भी खुद ले पाऊंगी, जिससे मेरे पति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखो इसी को सही मायने में हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। गाड़ी के दोनों पहिए अगर बराबर गति से चलते हैं तो गतिशीलता निरंतर बनी रहती है, इसीलिए यही एक जीता जागता महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हमारे सामने है, इसीलिए हमने इसे द रियल हीरो थीम के साथ में आज आप सब लोगों को साथ प्रेषित किया है। हम बधाई देना चाहेंगे सुष्मिता जी आपको, हमारे गांववाणी स्टूडियो के इस थीम का पहला वीडियो हमने आपके साथ में शूट किया है, और मैं बाकी लोगों को भी आह्वान करूंगा, ये हमारा खुला प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर अगर ऐसे अनछुए तथ्य, ऐसी सफलता की कहानियाँ जो लीक से हटकर जिन्होंने काम किया और गाँव की प्रगति के लिए एक अलग से उन्होंने एक प्रयास किया है, नवाचार किया है, अगर आप लोगों की नज़र में हो तो आप उसे हमारे इस गांववाणी स्टूडियो शनिवार विशेष कार्यक्रम में आप हमसे मिलिए, हम उसे मंच प्रदान करेंगे, और इसी प्रकार एक नई सफलता की कहानी के साथ अगले शनिवार को हम आपसे फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद सुष्मिता जी, धन्यवाद।